अपनी सांस में महकता पाया है तुझे, हर ख्वाब में बुलाया है तुझे, अपनी सांस में महकता पाया है तुझे, हर ख्वाब में बुलाया है तुझे, क्यों ना करे याद तुझको जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे। स्वागत है दोस्तों मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम आईवी मुखर्जी के डिमांड पर लाए हैं ट्रेन नंबर 12520 मत्स्यगंधा एक्सप्रेस के साथ कोंकण रेलवे में 2004 को हुए डिरेलमेंट की केस स्टडी। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात है 16th ऑफ जून 2004 की, ट्रेन नंबर 12620 मैंगलोर जंक्शन टू लोकमान्य तिलक टर्मिनल मत्स्यगंधा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय दोपहर के 2:15 पर मैंगलोर जंक्शन से लोकमान्य तिलक के लिए डिपार्ट होती है। सामान्य दिनों पर यह ट्रेन मैंगलोर से डिपार्ट होकर सूरतकल, उडुपी, मुर्देश्वर, कुमता, कारवार, मडगांव जंक्शन, कुडाल, रत्नागिरी, चिपलून, पनवेल, थाने होते हुए अगले दिन सुबह 6:35 पर लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचती है। इस पूरी यात्रा के दौरान यह ट्रेन 883 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे 20 मिनट में पूरी करती है, जिस दौरान उसके 18 हॉल्ट्स हैं। ये डेली ट्रेन है। तारीख हो चुकी थी 17th ऑफ जून। मत्स्यगंधा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर मैंगलोर से डिपार्ट होकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। ट्रेन ने भी 708 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। करंजड़ी और वीर रेलवे स्टेशन के बीच चल रही थी ये ट्रेन। समय हो रहा था सुबह के 6:10 और ट्रेन का लोकोमोटिव LHF यानी लॉन्ग हुड फ्रंट मोड में था कि तभी एक ब्रिज से जस्ट पहले अचानक ट्रेन के लोको पायलट्स देखते हैं कि ट्रैक पर पहाड़ी से लुढ़क आया मलबा और पत्थर पड़े हुए हैं। पर इससे पहले वो कुछ कर पाते बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन उन बड़ी बड़ी पत्थरों से जा टकराई और ब्रिज पर डिरेल हो गई। और ब्रिज पर से डिरेल होते हुए तेज बहाव वाली नदी के पास जा गिरी। इस हादसे में ट्रेन के 11 कोचेस डिरेल हो गए, जिसमें 2 कोचेस ब्रिज से लटके हुए थे। हादसे के बाद पता चला कि इस हादसे में 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वहीं 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने इस हादसे की कड़ी निंदा करते हुए सख्त इंक्वायरी के आदेश दिए, क्योंकि इस तरह का एक और हादसा 1 साल पहले ही हुआ था इस रूट पर, जब कारवार से मुंबई हॉलीडे स्पेशल इस रूट पर डिरेल हो गई थी, जिसमें 51 यात्रियों की जान चली गई थी। इस केस में जांच तो की गई पर कुछ खास हाथ लग नहीं पाया, क्योंकि लैंडस्लाइड एक आम समस्या थी उस समय, जिससे रेलवे जूझ ही रहा था। आज की तरह तब लोकोज में एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं थे। रेल मंत्री ने घटनास्थल के मुआयने के बाद कहा कि इस रूट पर एक पायलट इंजन चलाया जाएगा जो रूट का मुआयना करेगा किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन के गुजरने से पहले। तो दोस्तों ये थे कारण मत्स्यगंधा एक्सप्रेस के डिरेलमेंट का। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह किसी और केस स्टडी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए लेता हूँ इजाजत। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।